हमेशा की तरह ठीक होंगे। अच्छा, आज था संडे और संडे को सुबह में तकरीबन 6:25 के करीब हम लोग बाहर चले गए थे, और जाने के बाद वहाँ बच्चे स्कूल जाना था बच्चों ने, और फिर उसके बाद दोपहर में मैंने तकरीबन ये बनाने के लिए खड़ी हो गई थी बैंगन आलू। और बैंगन आलू जो है, बैंगन आलू में जो है मैंने डाला था बैंगन ज़ाहिर है और आलू ज़ाहिर है, अच्छा, और टमाटर डाले थे। और इसमें मैंने मसाले में भी, अभी मैं ऑयल गरम करके इसमें मैं डालने लगी हूँ लाल साबुत मिर्चें, ज़ीरा और धनिया, ज़ीरा और कुटी हुई मिर्च, और इनको सब मिक्स कर दूंगी मैं। और मिक्स करने के बाद मैं इसमें बस जैसे ही ऑयल में ज़रा से आवाज़ आना शुरू होंगी ज़ीरे की, चुटपुट होना शुरू होगी, तो फिर इसमें मैं डालूँगी। अब आप देखें क्या डालूँगी मैं इसमें। बस अभी थोड़ी देर में ये ज़ीरा इसमें आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी, मतलब हल्के हल्के, और बस अब ये ज़ीरा थोड़ा सा आ गया है इसमें कड़क, वो मतलब आवाज़ें आना शुरू हो गई थी, और अब मैं इसको दोबारा से मिक्स करूँगी। और इसमें मैं डालूँगी लहसुन अदरक और हरी मिर्च, ये मैंने तीन पेस्ट, मतलब थ्री जी वाला पेस्ट है, 3G पेस्ट, और इसको मैं अब डालूँगी इसमें। पहले भी मैंने इसमें हल्दी डाली है थोड़ी, ताकि इससे थोड़ा सा कलर आ जाए ऑयल में। और अब मैं डालने लगी हूँ लहसुन अदरक और ग्रीन चिलीज़ पिसी हुई। और ये लहसुन जो था, ये मेरे पास मोटा लहसुन होता है, लेकिन मैं इसको पीस के रखती हूँ ऑयल के साथ, तो ये मेरा लहसुन ग्रीन नहीं होता फिर। तो आप लोग भी ऐसे करके देखें, इंशाल्लाह नहीं होगा। और ज़रा ऑयल की क्वांटिटी आपने ज़्यादा रखनी होती है, कुकिंग ऑयल जो होता है। और अब मैं इसमें ज़रा सा, ये आवाज़ें आ चुकी हैं और थोड़ा सा लहसुन ब्राउन ब्राउन होना शुरू हो गया था। अब फिर इसमें मैंने डाला था ये बैंगन, ये बैंगन बहुत छोटे छोटे से थे, जिसका भगारे बैंगन भी बने तो बहुत ही यम्मी लगे, लेकिन मुझे बस ये आलू बैंगन बनाने थे। भगारे बैंगन हर वक्त इस तरह से खाने में, मतलब एक ही डिश साइड डिश के तौर पर खा सकते हैं आप, लेकिन ऐसे मेन डिश के तौर पे भगारे बैंगन मेरे ख्याल से नहीं खा सकते। मैं तो खा लूँगी, लेकिन और सब नहीं खा सकते। तो हमारे यहाँ साइड डिश के तौर पे बनती है भगारे बैंगन। बस अब ये अच्छे से ज़रा भगार हो रहा है, मतलब इसमें मिक्स कर रही थी मैं ऑयल को। अब आप देख रहे हैं कि ये हल्दी डाली थी, तो मैंने इसमें कलर आ गया है बैंगन में, तो ये वाइट से येलो हो गए हैं। और अब मैं नमक डालने लगी हूँ। नमक आप अपने हिसाब से डालें, मिर्चें अपने हिसाब से डालें, और जितना आपके घर में खाया जाता है। मेरे घर में जिस तरह खाया जाता है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। क्योंकि हमें किसी के घर के टेस्ट का पता नहीं होता कि वो कौन कितना ऑयल यूज़ करता है, कितना नमक और कितनी मिर्चें डालते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से डालें। हल्दी मैंने 1 टीस्पून, सॉरी 1/2 टीस्पून ली थी, और ज़ीरा मैंने जो है 1/2 टीस्पून लिया था, और लाल साबुत मिर्ची मैंने तकरीबन 5 to 6 थी, तो वो डालनी थी। अच्छा, अब ये ज़रा होता रहेगा, ज़रा इसको थोड़ा नरम भी पड़ना चाहिए, और फिर इसके बाद में इसमें आपको देखिएगा मैं क्या डालूँगी, तो अब आप देखते जाएँ। बहुत मज़े के बनते हैं, आप इसको बॉयल्ड राइस के साथ भी खा सकते हैं, बॉयल्ड राइस विद येलो वाली दाल उसके साथ भी खा सकते हैं, और आप इसको रोटी से भी, रोटी से तो हम लोग खाते ही हैं, लेकिन ये बॉयल्ड राइस के साथ भी बहुत बहुत मज़े के लगते हैं।
तो अब ये ज़रा सा भुनेगा बैंगन डाल के, और बैंगन डालने के बाद अब आप देखिए मैं इसमें क्या डालूँगी। मैं साथ साथ काटती जाती हूँ और फिर डालती जाती हूँ। कभी मैं काट पहले लेती हूँ चीज़ें और फिर डालती हूँ, फिर बता देती हूँ कि ये डालूँगी, लेकिन आज मैंने जो है बस जल्दी जल्दी में जो है बस जो जो चीज़ें काटती जा रही थी वो मैं डालती जा रही थी। ये तकरीबन होंगे बैंगन 750 ग्राम्स तो होंगे। और बड़े वाले बैंगन में जो उतना टेस्ट नहीं होता जितना अच्छा टेस्ट आपको छोटे बैंगन में मिलेगा। और ये वाला जो साइज़ होता है बैंगन का, इसका अगर आप भगारे बैंगन बनाएं तो वो बहुत मज़े के लगते हैं। अच्छा, अभी मैंने काट के टमाटर थे मेरे पास, 3 बिग टमाटर थे, 3 बिग टोमेटोज थे, और वो मैंने जो है चॉप करके डाल दिए हैं। अब इसको आप अच्छे से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद अब आप इसको मतलब थोड़ी देर छोड़ना भी होगा ताकि ये टमाटर जो है नरम हो नीचे से, तो फिर हम इसको हिलाएंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए, नरम पड़ जाए टमाटर। टमाटर वाला जो प्रोसेस होता है वो ज़रा लंबा होता है, क्योंकि उसको वो भुनते हुए भी दिखाते हैं कि भाई हाँ इतने भुनने चाहिए इस हिसाब से ना, ताकि आपको पता चले, वरना अक्सर चीज़ों में जो है मोटा मोटा टमाटर अच्छा नहीं लगता। अक्सर नहीं, ज़्यादातर चीज़ों में टमाटर सिर्फ सलाद में ही बड़ा बड़ा अच्छा लगता है, मोटा मोटा कटा हुआ कि भाई हाँ चलो कच्चा कच्चा मुँह में आए। लेकिन जब कुछ खाना पका रहे हैं तो आप उसमें टमाटर को अच्छे से भून के डालें। और बिरयानी में टमाटर हम लोग डालते हैं तो वो आप स्लाइस में भी डाल सकते हैं, तो वो भी अच्छे लगते हैं क्योंकि वो नरम पड़ जाते हैं स्टीम से ना, जब आप दम लगाते हैं चावलों में और चावल में और मसाले में उसकी लेयर में। तो आप ये अच्छे से भुनते रहेंगे ज़रा थोड़ी देर। अब आप देखिएगा ये कितना भुनते हैं, और फिर उसमें मैं क्या डालती हूँ अब आप ये देखें। अक्सर बैंगन, अच्छा ये मैंने बहुत बड़ा सा आलू था, ये लिया है मैंने एक, और इसको बारीक काट के आप फिर जो है इसमें अब हम कैसे ऐड करेंगे क्या करेंगे ये आप देखते रहें। अच्छा, जब बैंगन खाते हैं तो अक्सर लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो आप एक ऐसी चीज़ खाइएगा, ये वीडियो एंड तक देखें और आपको पता चलेगा कि मैंने इसमें क्या चीज़ ऐड की है जो आपको पता आपके लिए फ़ायदेमंद है बैंगन खाने के बाद। और वो बहुत इफ़ेक्टिव है, वो आपके अगर जैसे बच्चों को या बड़ों को जैसे मोशंस वगैरह हो जाते हैं तो उसके लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है। तो वो आप देखिए मैं क्या बना रही हूँ, क्या बनाया है मैंने, और वो मैं खाऊंगी और आपको बताऊंगी, देखिएगा एंड तक देखना पड़ेगा वीडियो। अच्छा, ये मैंने आलू काटे थे, और अब देखें कि ये आलू कब तक दलते हैं, क्या होता है। आलू आपको अगर आप बड़े आलू पसंद है तो आप बड़े आलू काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट छोटे आलू काट के आता है, मतलब टेस्ट क्या मतलब अच्छा लगता है छोटे आलू डले हुए। बड़े बड़े आलू जो होते हैं वो बिरयानी में ही अच्छे लगते हैं, इवन के तहरी में भी नहीं अच्छे लगते बड़े आलू, उसमें भी यही साइज़ अच्छा लगता है ताहिरी के लिए आलू का। अभी हम इसको अच्छे से भूनते रहेंगे ताकि इसका ऑयल भी थोड़ा सा ऊपर आए और ये टमाटर गल जाएं। टमाटर आपके पास अच्छे होने चाहिए, और अगर आपके पास टमाटर अच्छे नहीं हैं तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप इसका छिलका उतार के बॉईल करके टमाटर को उसके ऊपर से छिलका उतार लें, और छिलका उतार के फिर काट के डाल दें। इसमें टमाटर का पेस्ट इतना एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं लगेगा जितना अच्छा टमाटर साबुत मतलब कटा हुआ अच्छा लगता है।
टमाटर और बैंगन भुन रहे हैं, और भुनने के बाद अब आप देखिएगा कि ये कितना भुनते हैं। अब आप देख रहे हैं साइडों से इसका मसाला जो है उठना शुरू हो गया, क्योंकि टमाटर मिक्स होना शुरू हो गए हैं, इसमें नरम पड़ गए हैं और ऑयल भी ऊपर आ रहा है हल्के हल्के करके। जब आप देख रहे हैं टमाटर कितने अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल भी ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे ऑयल जो है मतलब थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लगता है अक्सर चीज़ों में। अब पहले मैं बहुत कम यूज़ करती थी, लेकिन अब मैंने पता नहीं क्यों डालना शुरू कर दिया। लेकिन मैं ऑयल हटा के ही खाते हैं फिर हम लोग, मतलब ऑयल से डाल लेते हैं अक्सर ज़्यादा, लेकिन ऑयल हटा के ही खाना फिर खाते हैं। लेकिन इसमें मुझे ऑयल कम लग रहा था, और ऑयल डालने के बाद मैंने इसको दोबारा अच्छे से भूनना शुरू कर दिया, ताकि ऑयल अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें और ऑयल अच्छा सा ऊपर आना शुरू हो जाए मसाले के साथ ही। और मैं इसका नमक भी चख रही थी साथ ही कि नमक तो नहीं डलेगा, तो इसमें फिर मुझे नमक की और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चों की भी ज़रूरत पड़ी, क्योंकि मेरे ख्याल से इसमें कम थी। आप अपने हिसाब से डालिएगा नमक और मिर्चें और ऑयल। अब मैंने इसमें आलू डाल दिए हैं, और आलू डाल के आप अच्छे से मिक्स करें इसको, और फिर आप इसको हल्की आंच पे दम पे रख दिएगा, ताकि जो है आलू गल जाएं। इतनी हल्की आंच कर दें, और ये देखें ये आलू गल चुके हैं, ऑयल ऊपर आ गया है, और बैंगन आलू तैयार हैं, बहुत मज़े के बने थे। और अगर आप चाहें तो थोड़ी सी इमली भी डाल सकते हैं इसमें। अब मैंने जो है रात का जो है खाना खा के और फिर बर्तन धोने का टाइम आ गया था, और ये देखें सारे बर्तन धुल रहे हैं जल्दी जल्दी, और बस इसके बाद फिर मुझे बैठना होता है आराम से, ताकि मैं चिल मार सकूँ। चिल मार नहीं सकूं, चिल कर सकूं। और ये जी ये है, अब मेरे पास दही